क्या होता है जब हेयर ट्रांसप्लांट गलत हो जाता है? जब हेयर ट्रांसप्लांट बुरी तरह से गलत हो जाता है तो मरीजों के पास केवल दो विकल्प होते हैं, अपना बचा हुआ जीवन असफल परिणामों के साथ जीना या दोबारा से एक एक्सपीरियंस्ड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से रिवीजन हेयर ट्रांसप्लांट कराना। ऐसे बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं जिनका स्ट्रेट लाइन लुक होता है, खड़े हुए बाल रहते हैं, डायरेक्शंस की भी प्रॉब्लम रहती है और वो स्ट्रेट लाइन की प्रॉब्लम रहती है। उसको करेक्ट करने के लिए मैं फ्रंट में थोड़ा सा लाइन दोबारा बनाता हूँ, उसको इररेगुलरली आगे पीछे करके हेयर लगाने पड़ते हैं प्रॉपर एंगुलेशन में। जैसे यहाँ पे मैं अराउंड 20 डिग्री का एंगुलेशन दे रहा हूँ। अगर इस तरह से डिजाइनिंग होगी तभी वो नेचुरल दिखती है। कई बार फ्रंट डिजाइनिंग में लोग उसको फ्लैट कर देते हैं कॉर्नर्स ज़्यादा भरने के लिए, वो सही नहीं है। नॉर्मली मेल पैटर्न में रिसीडिंग हेयर लाइन होनी चाहिए, तभी वो मेल दिखता है, अदरवाइज वो फेमिनाइन या गर्लिश पैटर्न बन जाता है, गोल सा होता है, आर्टिफिशियल दिखता है और ऐसा लगता है जैसे कोई विग पहनी हुई है या फिर कुछ गड़बड़ है। रिविजन हेयर ट्रांसप्लांट जब भी हमारे पास पेशेंट आता है, ज़्यादातर केसेस में प्रीवियस सर्जरी में डोनर बहुत सारा डिप्लीट हो गया होता है, इसीलिए मैं स्ट्रिप टेक्निक यूज़ करता हूँ जिसमें हम माइक्रोस्कोप में एक एक हेयर की डायरेक्शन, एंगल, पैटर्न, स्मॉल लेंथ सब कुछ चेक करते हैं, फिर ही उसको डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे साइड के टेम्पोरल ट्राइंगल्स होते हैं और फ्रंट की हेयर लाइन या सिंगल हेयर ग्राफ्स लगते हैं और फिर पीछे डबल और ट्रिपल्स लगते हैं। स्ट्रिप में यही फायदा है कि अपन 4000 तक ग्राफ्ट आराम से निकाल सकते हैं और डैमेज ड्यूरिंग शिफ्टिंग ऑलमोस्ट मिनिमल या लेस देन 1% रहती है। जब अपन कॉम्बिनेशन करते हैं FUT एंड FUE तो FUE से मोटे मोटे बाल निकलते हैं, तो उनको डेंसिटी बढ़ाने के लिए हम पीछे की तरफ यूज करते हैं, तभी हम उस एरिया को प्रॉपरली करेक्ट कर पाते हैं। अगर हेयर लाइन ट्रांसप्लांट सर्जन ने नीचे बना दिए तो उसको छुपाने का कोई तरीका नहीं, फिर तो वो हेयर निकालने ही पड़ेंगे। अगर हेयर लाइन थोड़ी ऊपर की तरफ है तो अपने पास ऑप्शन होता है कि उसको थोड़ा नीचे नई हेयर लाइन बना दो तो वो पीछे का एरिया छुप जाए। बट ऐसे केसेस है जिसमें हेयर लाइन बहुत लो, गलत या फिर टेम्पोरल एरियाज भर दिए होते हैं, ये जो खाली होने चाहिए, उस केसेस में वो हेयर निकालने पड़ते हैं जिससे वो डिज़ाइन नॉर्मल दिख पाए। तो अगर डिज़ाइनिंग परफेक्ट होगी तभी जाके हेयर ट्रांसप्लांट का असली मतलब है। इसलिए ये स्टेप जो है सर्जिकल स्टेप जिसमें स्लिट्स बनाते हैं हमेशा और हमेशा मैं ही करता हूँ,